सभी साथियों को नमस्कार। मैं विशु यादव 2018 बैच। जो साथी जुड़ चुके हैं कृपया बताने की कृपा करें कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक सही से पहुंच रही है, आवाज़ का कोई इश्यू तो नहीं है। अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही हो तो प्लीज़ बताने की कृपा करें। आशीष शर्मा जी नमस्कार। प्रखर यादव जी बता रहे हैं आ रही आवाज़। थैंक यू वेरी मच। जो साथी जुड़ चुके हैं इस वीडियो की लिंक को, आप जिस भी ग्रुप में हो, चाहे आप फेसबुक ग्रुप में हो, चाहे टेलीग्राम ग्रुप में हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में हो, एक बार आप शेयर कर दें ताकि जो कल यानी 23 तारीख की जो रणनीति है आप सभी से शेयर एक बार किया जाए। एक बार आप सभी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें, उसके बाद आप सभी से चर्चा किया जाएगा। साथियों आप इस बात से अवगत हो ही गए होंगे कि कल यानी 23 फरवरी को समूचे उत्तर प्रदेश में ज्ञापन दिया जा रहा है टेट की परीक्षा जल्द कराने के संबंध में और आगामी शिक्षक भर्ती के संबंध में। उसी के संबंध में आज मैं लाइव आया हूं और आवाज स्लो आ रही है मेरी। कुछ साथी कह रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। एक बार पुनः आप लोग बताएं कि आवाज का इश्यू तो नहीं है। कुछ साथी कह रहे हैं कि आवाज स्लो आ रही है। प्लीज एक बार आप लोग बता दें कि मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है कि नहीं। जी बिल्कुल। तो साथियों आप सभी जानते हैं कि टेट और सुपर टेट के संबंध में टीम द्वारा 23 तारीख को यानी कल मंगलवार बजरंगबली के शुभ दिन के अवसर पर हम लोगों ने ज्ञापन मुहिम की आगाज किया है। ज्ञापन मुहिम के लिए आप सभी को एक बार मैं बता देना चाहता हूं कि 18 बैच के कुछ साथी जो प्रमोट नहीं हुए थे उनका लगातार कॉल मैसेज आता था कि इस संबंध में संघर्ष बिना किया जाए, जब हम लोग की 4 सेमेस्टर की परीक्षा हो जाएगी तभी इस संबंध में संघर्ष किया जाए। तो उनका कहना जायज भी था क्योंकि वे साथी हमारे साथ लगातार संघर्ष किए थे, इसलिए उनकी बात भी मानना जायज था। अब बैक साथियों का भी पेपर हो चुका है, रिजल्ट की जहाँ तक बात है तो वे आप रिजल्ट के लिए परेशान न हो। रिजल्ट 1 महीने में या 1 महीने से या 1.5 महीने के अंदर मूल्यांकन होने के बाद घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन अब हमें शांत नहीं बैठना है। अब जहाँ तक इस संघर्ष की बात आ रही थी तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे संगठन चलते हैं, तो हमने सोचा कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। इस संबंध में मैंने जितने भी संगठन चलते हैं उत्तर प्रदेश में सबके प्रदेश अध्यक्षों से हमने बात करी। मैंने बोला कि अगर नियुक्ति नहीं मिलती है तो संगठन धरा का धरा रह जाएगा, इसलिए सब लोग मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे आया जाए और मिल करके संघर्ष किया जाए, तभी सफलता मिल सकती है। ताकि अगर हम लोग मिल के संघर्ष करेंगे तो जितने भी अगर हम लोग मिल के संघर्ष करेंगे तो सरकार को हम लोग का जो संघर्ष है वो दिखेगा, हम लोग का संख्या बल दिखेगा और हमारी वो मांग सुनने को मजबूर होगी। इसी संबंध में सबसे पहले मैंने अपने टीम के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी से भी बात करी, और भी जो संगठन है जैसे कि अनंत प्रताप जी संगठन चला रहे हैं और पवन पांडे का संगठन चल रहा है, सभी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से हमने बात करी और कहा कि आइए मिल करके हम लोग इस मुहिम का शुरुआत करते हैं और मिल करके ज्ञापन या जो भी धरना होगा तो मिल करके हम लोग करते हैं, तभी हम लोग सफल होंगे। और
सबसे अच्छी बात यह है कि इस मुहिम में हमारे अग्रज भाई भी 15 बैच के हों चाहे 17 बैच के हों, मिल करके सब लोग साथ दे रहे हैं। कल बजरंग बली का दिन है और आप लोग, इससे अच्छा दिन तो कोई हो नहीं सकता, बजरंग बली का नाम लेकर के कल आप लोग घर से निकलिएगा और अपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन आप दे सकते हैं, चाहे आप विधायक सांसद को ज्ञापन दे सकते हैं, चाहे DIOS या जिला, जैसे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, उनको आप ज्ञापन दे सकते हैं, और डायर प्रचार इन लोगों के माध्यम से, या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो BSC होते हैं, इनके माध्यम से आप अपनी आवाज़ शासन तक पहुँचा सकते हैं। और जो ज्ञापन का प्रारूप है, मेरे लाइव समाप्त होने के बाद हर ग्रुपों में सेंड कर दिया जाएगा। ज्ञापन का प्रारूप सेम होगा, किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा, हमारी ID से या फिर किसी भी ग्रुप में, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हों चाहे फेसबुक के जिस भी ग्रुप में जुड़े हों, आपको मिल जाएगा। और उस ज्ञापन को पाने के बाद आप लोग कल जिस भी जिले में आप हों, जहाँ भी हों, जरूर ज्ञापन देने जाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि हमारे जो टीम में जुड़े हैं, 75 जिले की जो हमारी टीम है, वो सिर्फ वही ज्ञापन देने जाएगी। जो लोग टेट के लिए एलिजिबल हैं, सुपर टेट के लिए, जिनको शिक्षक भर्ती में शामिल होना है, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप जरूर जाएं। कुछ साथी जो कि इलाहाबाद में कोचिंग कर रहे हैं, कानपुर में कोचिंग कर रहे हैं, लखनऊ में कोचिंग कर रहे हैं, अगर वे साथी हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो ज्ञापन लेकर के वहीं से आप बिगुल फूंक दीजिए। कहने का मतलब, ज्ञापन आप लीजिए, आप उसी जिले में जिलाधिकारी महोदय के यहाँ चले जाइए, चाहे DYS के यहाँ चले जाइए, BSA ऑफिस चले जाइए, या कोई भी पॉलिटिकल लीडर, कोई भी विधायक सांसद आपको मिले, उनको आप दे दीजिए ज्ञापन, आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचनी चाहिए। कुछ साथी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद जा करके 8,000 रुपये महीने का देते हैं, 4,000 रुपये रूम का देते हैं, खाना पीना घर का पैसा। अरे भाई, जब भर्ती आएगी नहीं, 2 साल से ऐसे शांत बैठ करके घर वालों का पैसा फूकने के लिए वहाँ गए हो आप, 17 बैच का देख रहे हो ना, 2 साल से भर्ती नहीं आ रही है, कोचिंग एक बार नहीं 5-5 बार कोचिंग कर चुके हैं, लेकिन भर्ती नहीं आई, निराशा हाथ लगी है। इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही है, तो आप खुद एक नेतृत्वकर्ता बन करके, जहाँ पे आप हैं, अगर किसी कोचिंग में एक दिन का कोचिंग आप छोड़ दीजिए, कोई कुछ नुकसान नहीं होगा एक दिन कोचिंग छोड़ने में, जहाँ पे हैं वहीं कोचिंग के लड़कों को आप खुद नेतृत्व करिए, साथ में लेकर के पहुँच जाइए जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, चाहे कोई कहीं भी आप ज्ञापन दीजिए, अपनी आवाज़ शासन तक पहुँचाइए। अगर मिल करके आप संघर्ष नहीं करेंगे, यही होगा कि वेतन के मुद्दे पे जो आपने इनका शिक्षा मंत्री जी का बयान सुना था, यही सब सुनने को मिलेगा। इसलिए कल हमारी टीम और प्रदेश में जितने भी टीमें हैं, जितने भी संगठन हैं, सब लोग मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे आया गया है, सब लोग कल ज्ञापन देंगे, और आप लोगों से भी उम्मीदें हैं कि आप सभी हमारा साथ देंगे। और एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि टेट होने के बाद जब शिक्षक भर्ती के संबंध में आह्वान किया जाएगा, तो उस आह्वान में जब टेट शिक्षक भर्ती का आह्वान किया जाएगा, तो जितने भी बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं जो आपसे 8,000 रुपये 7,000 रुपये शिक्षक भर्ती के नाम पे, पढ़ाने के नाम पे वसूल रही हैं, उनको भी हमारा साथ देना होगा। और जब तक आप साथ नहीं देंगे, वे हमारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपसे वे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो उनका दायित्व तो बनता है कि आपकी आवाज़ को शासन तक पहुंचाने का काम करें। आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में जब उनके लाले पड़े थे, उनकी कोचिंगें बंद हो गई थी, पैसे मिलने बंद हो गए थे, आपने देखा होगा कि पूरे भारत के कोचिंगों ने, यूट्यूबर्स ने मिल करके रेलवे फॉर्म निकालने के, रेलवे की परीक्षा के संबंध में एक मुहिम चलाई थी, और शासन को मजबूरन सुनना पड़ा था। तो यहाँ पे आपकी आवाज़ है, आपकी अपने हक की लड़ाई है, शिक्षक भर्ती आपके जीवन की बात है, तो आप लोग साथ दीजिए कोचिंग वालों। अगर कोचिंग वाले हमारा साथ नहीं देंगे, तो उनका बायकॉट करने के लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी। जितनी भी बड़ी कोचिंग हैं, उनसे कहा जाएगा, प्रेम से कहा जाएगा कि आप इस मुहिम में हमारा साथ दें, अगर वे साथ नहीं देते हैं, उनका उनको बायकॉट किया जाएगा और बहिष्कार करने के लिए भी आह्वान किया जाएगा। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए आप सबकी
आप सबके साथ की जरूरत है, इसलिए आप लोग जरूर साथ दें, कल घर से आप लोग निकलें। अभिषेक तिवारी जुड़ चुके हैं, अनंत प्रताप जी जुड़ चुके हैं, सुधीर यादव गाजीपुर जिले से जुड़ चुके हैं, अजीत यादव इटावा जिले से जुड़ चुके हैं, विमलेश जी हमारी टीम से प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं, बहुत ही सक्रिय हैं, सौरभ बेनवंशी जी जुड़ चुके हैं, सौरभ पांडे जुड़ चुके हैं, पूजा बात्रा जी जुड़ चुकी हैं, कल आप सभी लोग जरूर घर से बाहर निकलें, क्योंकि आप लोगों को जानते हैं, आप लोगों को खुश इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए आपके साथ एक संगठन खड़ा है, प्रदेश के संगठन, प्रदेश स्तरीय संगठन आपके साथ खड़ा है। नहीं तो आपने देखा होगा कि आपके अग्रज जो भर्ती उनकी चल रही है, पेंडिंग पड़ी है, लेकिन वे लोग अपनी आवाज़ शासन तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई संगठन नहीं है, कोई स्रोत नहीं है, ना उनके पास एक समूह है। हम लोग के साथ, आप लोगों के साथ ये संगठन खड़ा है, आपकी आवाज़ को शासन तक पहुँचाने का प्रयास तो कर रहा है। तो जब तक आप साथ नहीं देंगे, संगठन धरा का धरा रह जाएगा और आपकी जो मांग है धरी की धरी रह जाएगी। फिर आप वही कोचिंग करो जा करके इलाहाबाद लखनऊ में, और बैठ के वही दाल भात चोखा खाओ बैठ के, समझे। तो इसलिए एक दिन नहीं आप कोचिंग जाएंगे तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। और आप मिल करके अगर हम लोगों ने आह्वान किया है, तो आप भी, आप जहाँ पे हैं, हम नहीं कह रहे कि आप जिला छोड़ के कहीं तैयारी करने गए हैं तो अपने ज़िले में जाकर ही दें। आप जिस भी ज़िले में हैं वहीं से नेतृत्व करना शुरू करिए, और अपनी आवाज़ को शासन तक पहुँचाने के लिए कल ज्ञापन जरूर दें। और जो ज्ञापन नहीं देगा तो फिर वो कॉल और मैसेज नहीं करेगा कि भर्ती नहीं आ रही है, कुछ करिए। अगर इस बार क्या है कि कल का जो संघर्ष हो रहा है, इसमें अग्रज भी साथ दे रहे हैं, अग्रज भाई भी साथ दे रहे हैं, 18 बैच के जितने भी संगठन उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, सभी एक प्लेटफॉर्म पे हैं। इसलिए संघर्ष जो हो रहा है, इसमें आप सब जरूर साथ दें। अजय मौर्य जुड़ चुके हैं, रवि शुक्ला जुड़ चुके हैं, और आप सभी कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। रवि शुक्ला जी हैं, प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष हमारे हैं, जुड़ चुके हैं। एक बार मैं पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि कल ज्ञापन मुहिम में आप खुल करके साथ दें। विजय सक्सेना जी बागपत जिले से हैं, जुड़ चुके हैं। हमारी टीम कल जोशपूर्ण तरीके से तैयार है, कल 75 जिले में ज्ञापन पड़ेगा, लेकिन आप सभी भी जरूर साथ दें। आप जहां हैं वहीं से ज्ञापन जरूर दें, जितना ज्ञापन सरकार के पास जाएगा उतना हम लोगों की मांगों पर असर पड़ेगा, और हम लोग की जो मांग है उसको गंभीरता से लिया जाएगा। अक्षय शर्मा जी जुड़ चुके हैं, आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर उस साथी तक आवाज़ पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। और कल यानी 23 फरवरी को मंगलवार के दिन हनुमान जी का नाम लेके आप लोग ज्ञापन देने के लिए जरूर जाएं। सीटेट मान्य है कि नहीं 2018 बैच का? हाँ बिल्कुल, जो इस बार आप लोगों ने पेपर दिया है मान्य है। प्रेम साहने जी हैं, बरेली से हैं, कह रहे हैं जीत हमारी होगी। बिल्कुल भैया जीत होगी। आप सभी जानते हैं कि जहाँ अगर हम लोग संघर्ष करते हैं, रणनीति बना के करते हैं, सफलता हर मिलनी ही मिलनी है। आपने देखा होगा कि 2-3-4 फरवरी को जो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो रही थी, इस बार हुई है, कई जिलों के प्रशिक्षुओं का फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा था। प्रशिक्षु एकदम परेशान थे, डाइट पे जाते थे, डाइट प्राचार्य लापता, पता नहीं कहाँ चले गए। पीएनपी सचिव से बात किया जाता था, वो भी इधर उधर करके टालने का प्रयास करते थे, प्रशिक्षु एकदम परेशान थे। हमने बोला कि प्रशिक्षु अमरोहा जिले से प्रशिक्षु फ़ोन किए, मथुरा से फ़ोन किए, हमने तुरंत वहाँ पे अपनी टीम भेजी और बोला कि आप जो वहाँ के लोकल प्रशिक्षु हैं हमारी टीम का साथ दें,
तभी, अगर संख्या बल दिखेगा तभी आप लोग के साथ न्याय हो सकता है। 3-4 जिलों में हमने धरना बैठवा दिया, और जब शासन पे दबाव बनने लगा कि यहाँ से लड़के हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, ताला मार दिए हैं, ये वो, शासन ऊपर से हम लोगों ने एससीईआरटी निदेशक से बात बात करना शुरू किया। अंततः आप देख सक आपने देखा होगा कि परीक्षा के 2 दिन पहले यानी कि 30-31-1 को पुनः पूरे उत्तर प्रदेश की साइट खोली गई, और जो प्रशिक्षु छूटे थे उनका फॉर्म भरा गया, और वे 2-3-4 को जो परीक्षा हुई उसमें बैठे भी। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो एकता है उसको आप दिखाने उसको दिखाएं, आप अपनी आवाज़ आप शासन तक पहुंचाएं, सरकार सुनेगी क्यों नहीं। जितेंद्र सागर जी कह रहे हैं मैटर कहाँ है प्रदेश उपाध्यक्ष जी। जितेंद्र भैया, इस लाइव को समाप्त होने के बाद हर ग्रुपों में शेयर करवा दिया जाएगा, हर जिलों के ग्रुपों में शेयर करवा दिया जाएगा कल का ज्ञापन का मैटर। आप मेरी आईडी से या फिर जितने भी डीएलएड के ग्रुप हैं उसमें शेयर हो जाएगा, आप उसको आप दे दीजिएगा। उपदेश कुमार कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला सर, बट हम भी आपके साथ हैं। भैया आप जैसे लोग ना घर बैठ के कमेंट कर देते हैं उतना ही बहुत है, और हम लोग पढ़ लेते हैं उतना ही बहुत है। आप लोगों से उम्मीद भी नहीं करना है ना, हम ऐसे लोगों की जरूरत भी हम लोगों को नहीं है। अब आप घर से बाहर निकले नहीं, एससीईआरटी पर विशाल धरना होना चाहिए तभी आएगी वैकेंसी। भैया देखिए, कोई भी अगर हमारी टीम ने रणनीति बनाई है कि नहीं, पहले ज्ञाप कोई भी काम जैसे होता है तो एक रणनीति के तहत होता है। अभी आप अपनी अपनी आवाज़ को शासन तक पहुंचाए नहीं और आप धरना पर बैठ जाएंगे, कौन सुनेगा। इसलिए सबसे पहला जो पड़ाव होता है आप अपनी बात को ज्ञापन के माध्यम से शासन तक पहुंचाइए, उसके बाद अगर नहीं सुनता है तब आप जा करके धरना कीजिए। तो सौरभ कुमार जुड़ चुके हैं, दिवाकर भारती जुड़ चुके हैं। तो साथियों कल आप लोग जरूर घर से बाहर निकलें, जो साथी कोचिंग कर रहे हैं बाहर पढ़ रहे हैं वे वहीं से ज्ञापन देने जरूर जाएं। एक बार मैं पुनः इस बात को रिपीट कर देता हूं, आप अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे सकते हैं, या विधायक सांसद जो भी पॉलिटिकल लोग हैं उनको दे सकते हैं, आप जिला विद्यालय निरीक्षक यानी कि DIOS को भी अपना ज्ञापन दे सकते हैं, या फिर डायट खुद जहाँ से आपने BTC करी है संबंधित जो डायट होता है जिले का, वहाँ भी जा करके लेटर को आप फॉरवर्ड करा सकते हैं। और जो लेटर है आपको कुछ करना नहीं है, लेटर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसी को आप प्रिंट आउट निकाल करके अपना सिग्नेचर करके, जो लोग साथ में रहेंगे सब लोग सिग्नेचर करके संबंधित जिनका मैंने बताया नाम लिया आप उनको दे सकते हैं। विजय सक्सेना जी कह रहे हैं मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। बिल्कुल भैया, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, और यार संघर्ष आपने किया, आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से कि संघर्ष जिस भी मुद्दे पे आपने संघर्ष किया उस पे सफलता मिली ही मिली है। विमलेश वाजपेयी जी हैं बहराइच जिले से जुड़ चुके हैं। एक बार मैं पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि कल के ज्ञापन मुहिम का हिस्सा आप जरूर बने, आप घरों से बाहर जरूर निकलें, और कल कल ज्ञापन देने जरूर जाएं। UP TET का UP TET मान्य है 2018 बैच का, अभी 19 बैच का कहाँ किसी ने टेट दिया है। दिवाकर भारती जी कह रहे हैं कि हम गोंडा कार्यकारिणी को साथ लेकर हर जगह ज्ञापन जरूर देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप जरूर ज्ञापन देने जाएं पूरी टीम के साथ। अगर कोई दिक्कत हो आप प्रदेश कार्यकारी या किसी भी लीडर से आप संपर्क कर सकते हैं, आप संपर्क कर लीजिए। कहीं भी अगर कोई दिक्कत आए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर है 99-35-14-66-25, या अभिषेक तिवारी या आनंद, अगर किसी भी लीडर को आप बात करके उन्हें आप ज्ञापन अरे उनसे आप बात करके साथियों मैंने सारी बातें कह दी, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।
रागनी पटेल जी कह रही हैं 18 बैच से आप बोलें कि सभी लोग ट्विटर अकाउंट बना लें, प्रत्यक्ष और सोशल मीडिया दोनों तरह से दबाव बनाए। जी बिल्कुल, वे चीज़ें आगे हम लोग किया जाएगा, लेकिन टीम अगर कुछ निर्धारण की है तो उसे प्राथमिकता आप लोग दें। कल आप लोग ज्ञापन मुहिम का हिस्सा बने, उसके बाद धीरे धीरे हर स्तर हर कार्य किया जाएगा, रणनीति के तहत सब कार्य किया जाएगा, बस आप लोग साथ दें, धीरे धीरे सब कार्य होगा। मंगलेश पाठक जी कह रहे हैं बिशु भाई हम सदैव तैयार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक बार पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा, कल आप लोग घर से बाहर निकलें और ज्ञापन देने जरूर जाएं। अगर कोई दिक्कत हो आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डीएलएड एकता जिंदाबाद।